It is a misconception that whoever dies goes to paradise. अर्थात इस सबसे बड़ी गलत फहमी है लोगों की कि जो कोई भी मरता है वो सीधा स्वर्ग को जाता है. ऐसा नहीं है. जो अच्छे कर्म करता है वो स्वर्ग को जाता है. तो ये गलत धारणा है, मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी है. मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब कोई व्यक्ति दुनिया से चला जाता है तो उसके नाम के आगे स्वर्गीय लिखा जाता है हिंदी में. अंग्रेजी में लेट और हिंदी में स्वर्गीय लिखा जाता है. हर एक कोई स्वर्ग नहीं जाता. आज मेरा ये नवा वीडियो है अनुवाद पर, ट्रांसलेशन पर, और फिर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में आपको बहुत जरूरी बातें बताने जा रहा हूं. इसको याद रखना बहुत आवश्यक है. किस किस के साथ आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कहां इसका प्रयोग है और कहां पर जरूरी प्रयोग है, और कुछ आ ही नहीं सकता प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिवा. जैसे शाश्वत सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, शाश्वत सत्य, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, ये केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी में. जैसे उदाहरण के लिए, और प्राकृतिक घटनाएं भी, प्राकृतिक घटनाएं, नेचुरल इवेंट्स, प्राकृतिक घटनाएं भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती हैं. मैं इसके उदाहरण देता हूं छह. इसमें ये बात देखनी है कि इसमें इज का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसका प्रयोग ऐसे ही होता है. हनी इज स्वीट, शहद मीठा होता है, इसका प्रयोग ऐसे ही होगा. इस लगेगा इसमें. मैं पहले की वीडियोज में ये बता चुका हूं कि क्यों लगेगा आर और क्यों लगेगा इस. हनी इज स्वीट, शहद मीठा होता है. गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है. मैन इज मॉर्टल, इंसान मॉर्टल है, नश्वर है. अर्थात इंसान नश्वर है, नाश हो जाता है शरीर का. तो ये मैंने तीन सेंटेंसेस लिए हैं जिसमें इज लगा करके बताया है, लेकिन है सब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही. देखें, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तीन सेंटेंस और हैं इसमें एस आई एस का प्रयोग होता है क्रिया में. यदि एक वचन होता है कर्ता और थर्ड पर्सन होता है तो हमेशा ही क्रिया में एस आई एस का प्रयोग होगा. द सन, ये एक वचन है, एक वचन सिंगुलर. द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है. द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर यानी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड. द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, घूमती है. तो ये जो है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में इनका प्रयोग होगा. द सन राइजेज इन द ईस्ट, द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, द अर्थ मूव्स राउंड द सन. इस प्रकार से ये जो वाक्य हैं हमेशा ही शाश्वत सत्य वाले वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे. इसमें कोई और टेंस लग नहीं सकता. ये जरूरी बात है जो मुझे बतानी. जो कार्य, अगला देखें, जो कार्य करने की हमारी रोजाना की आदत है, हमारी आदत, आदत का प्रदर्शन हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा. मैं बता ही चुका हूं इसकी जान, इसकी पहचान क्या होती है. ता है, ती है, ते है, ता हूं, वाक्य के अंत में आते हैं. तो इनमें किसी भी अगर वाक्य में लगाया जाए, चाहे इसमें लगाया जाए, तब भी ता है, ती है, ते है आएगा. हनी इज स्वीट, शहद मीठा होता है. तो इस प्रकार के सेंटेंस इज एमआर लगा करके बनाए जाते हैं, और ये इज एमआर इनमें कतई प्रयोग नहीं होगा. द सन राइजेज इन द ईस्ट,
सूर्य पूरब में निकलता है, ये प्रेजेंट डेफिनेट में है, इज एम आर का प्रयोग इनमें नहीं होगा। आदत, हमारी चाय पीने की आदत पड़ जाती है, स्कूल जाने की आदत पड़ जाती है, ऑफिस जाने की आदत पड़ जाती है, हमारी आदत पड़ जाती है। ज्यादातर इसमें कुछ खास शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे ऑलवेज। ऑलवेज ज्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में यूज होता है, ऑलवेज। रेयरली, रेयरली माने बहुत कम, सेल्डम। इन शब्दों का प्रयोग नेवर, यूजुअली, इन शब्दों का प्रयोग ज्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। राम कम्स टू मी वंस इन ए वीक, राम कम्स टू मी वंस इन ए वीक, उसकी एक हफ्ते में एक बार आदत है आने की, मेरे से मिलने आता है राम हफ्ते में एक बार, और जरूर आता है। राम कम्स टू मी वंस इन ए वीक। राम ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राम हमेशा सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है, जल्दी उठ जाता है। राम ऑलवेज माने हमेशा। राम ऑलवेज गेट्स अप, गेट्स अप माने उठ जाना, सो के उठ जाना। राम गेट्स अप, राम ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे ही जग जाता है, उठ जाता है बिस्तर से। आई नेवर ड्रिंक वाइन, मैं कभी शराब नहीं पीता, मैं कभी शराब नहीं पीता हूं। शी सेल्डम लीव्स हर हाउस, शायद ही कभी, सेल्डम माने ना के बराबर, ये नेगेटिव में आता है ये शब्द। शी सेल्डम लीव्स हर हाउस, वो अपना घर कभी नहीं छोड़ती है, सेल्डम ना का सेंस रखता है ये शब्द। ही इज रेयरली सीन हियर, वो कभी कदाश यहां दिखाई देता है। तो इन शब्दों के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। अब देखें, शी यूजुअली कम्स लेट, उसकी आदत है, रोजाना लेट हो जाती है, रोजाना लेट आती है। शी यूजुअली कम्स लेट, वो यूजुअली आमतौर पे लेट आती है। कुछ शब्द हैं जो ज्यादातर इसी में प्रयोग होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उन शब्दों को ध्यानपूर्वक देखें। थिंक, सोचना। अंडरस्टैंड, समझना। इमेजिन, कल्पना करना। सपोज, मानना या सोचना, मैं समझता हूं, इस प्रकार के लिए सपोज आया था। बिलीव, विश्वास करना। ट्रस्ट, विश्वास करना। रिमेंबर, याद रखना। फॉरगेट, भूल जाना। तो ये शब्द ज्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग होते हैं। आई थिंक ही इज वेरी स्मार्ट, मैं समझता हूं, मैं सोचता हूं कि वो बहुत स्मार्ट है। आई थिंक ही इज वेरी स्मार्ट। आई थिंक, थिंक पे ध्यान दें, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया है। आई अंडरस्टैंड योर डिफिकल्टीज, मैं तुम्हारी परेशानियां समझता हूं। अंडरस्टैंड माने समझना, डिफिकल्टीज माने परेशानियां। आई सपोज, सपोज माने मानना भी होता है, मैं मानता हूं कि ही इज अगेंस्ट मी, कि वो मेरे विरुद्ध है। ही इज अगेंस्ट मी, अगेंस्ट माने विरुद्ध, ही इज अगेंस्ट मी, वो मेरे विरुद्ध है। आई कैन नॉट रिमेंबर हिज नेम, मैं उसका नाम याद नहीं रख सकता, मैं उसका नाम याद नहीं रख सकता हूं। I cannot forget his name. तो remember बोलो याद रखने की अंग्रेजी, forget बोलो भूलने की अंग्रेजी। तो मैं उसका नाम याद नहीं रख सकता हूं, मैं उसका नाम भूल नहीं सकता हूं। इस प्रकार के वाक्यों में इनका प्रयोग होगा। अब और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा और ज्यादा कुछ कभी कुछ नहीं लगता है। appear, लुक, सीन, तीन शब्द हैं जिनका अर्थ होता है प्रतीत होना, ऐसा लगता है कि,
ऐसा प्रतीत होता है कि, जिसका अर्थ होता है एपियर, एपियर माने प्रकट होना भी है, लुक माने देखना भी है, लुक के साथ एट प्रेपोजिशन आता है, सीन, तो इन सब का अर्थ यहां पर यही है, प्रतीत होना, ऐसा लगता है, इट एपियर्स ऐसा लगता है, इट लुक्स ऐसा लगता है, इट सीम्स ऐसा लगता है, इस प्रकार में, इस प्रकार शब्दों का यूज किया जाता है। मैंने और भी यूज करके बताए हैं, इट सीम्स ऐसा लगता है कि, दैट इट विल रेन की वर्षा होगी, इट सीम्स दैट इट विल रेन ऐसा लगता है कि, इसमें इट लगता है ध्यान रखें, इट का प्रयोग होता है इसमें, और इसके बारे में मैं वर्णन कर चुका हूं, इट सीम्स ऐसा लगता है कि, दैट इट विल रेन की वर्षा होगी। अब अगला सेंटेंस देखें, इट अपीयर्स ऐसा लगता है कि, दैट लगा दो, इट अपीयर्स दैट ही इज नॉट कमिंग, ऐसा लगता है कि वो आज नहीं आ रहा है, ही इज नॉट कमिंग टुडे, टुडे लगा सकते हैं आप, ऐसा लगता है, इट अपीयर्स दैट कि ही इज नॉट कमिंग टुडे, कि वो आज नहीं आ रहा है। तो देखिए इसमें, इसको हमेशा तीनों को मैंने प्रयोग करके दिखाया, दो को तो दिखाया ही है, अपीयर को और सीम्स को, इन दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करके मैंने दिखाया है, और लुक्स में भी ऐसा लगता है। अब मैंने एक सेंटेंस लिया है, जैसा कि मेरी आदत है, मैं लेता हूं कोई वीडियो छूट जाती हूँ सब में लेता हूं, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, इसको देखो, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, यानी शुरू में ही परेशानियां पैदा हुई काम के, बिल्कुल शुरू में ही व्याधाएं, बाधाएं उत्पन्न होने लगी, तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, मिस फॉर्च्यून्स दुर्भाग्य, ओवरटुक घेर लिया, ओवरटुक मी, मिस फॉर्च्यून्स ओवरटुक मी एट द वेरी स्टार्ट, यानी मेरे सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। अगर आप इसमें मिस फॉर्च्यून्स ओवरटुक मी लगा दें तो मेरे लिए आ जाएगा, मिस फॉर्च्यून्स ओवरटुक मी एट द वेरी स्टार्ट, एट द वेरी स्टार्ट की हिंदी है प्रारंभ में, शुरू में ही, मिस फॉर्च्यून्स ओवर टुक मी एट द वेरी स्टार्ट, शुरू में ही परेशानियों ने, बाधाओं ने, मेरे काम के शुरू में, कोई नया काम जब शुरू करता है कोई, तो बाधाएं आती हैं, तो शुरू में ही बाधाएं आने लगी, ये कहने का मतलब है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, मिस फॉर्च्यून्स ओवरटुक मी एट द वेरी स्टार्ट, पास्ट टेंस लगा है इसमें, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये यदि मेरी वीडियो ट्रांसलेशन पर और भी दूंगा मैं, ये नवी वीडियो है, अनुवाद की नौवीं वीडियो में दे रहा हूं, ध्यान पूर्वक इसको देखते रहें, अनुवाद निश्चित आ जाएंगे, आपकी पढ़ाई में भी बहुत मदद करेंगे, और जो पढ़ नहीं रहे हैं उनको अंग्रेजी बोलने में मदद करेंगे, निश्चित मदद तो करेंगे ही करेंगे ये हर हाल में। तो यदि ये वीडियो मेरी पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।